अब हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है और बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास हैं जिनकी तरफ मैं बढ़ना भी चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले जो तीन बहुत ही प्यारे प्यारे और हम्बल पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। वैसे तो उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह से, बट बताना तो ज़रूरी है। मलिक शहबाज अली खोखर हमारे साथ हैं, MPA EP 162, आप एडवोकेट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब के साथ बैठी हैं डॉक्टर जुब्दा रियाज, आप डायरेक्टर टेक्निकल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी सहेली समन राय हमारे साथ हैं। अब मैंने सहेली कह लिया तो आप इनको हल्का ना लीजिएगा, माशाल्लाह से दो दो बड़ी पोस्ट हैंडल करती हैं। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर एंड CEO पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। और व्यूअर्स एक बात बताऊँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी एक रैंडम सी कनेक्शन होती है और वो हमेशा बहुत मोहब्बत और सपोर्ट का इजहार करते हैं। और समन, आपके बारे में ये ज़रूर बताना चाहूँगी, आप उम्र में तो मेरे से छोटे हो लेकिन आपने मेरा दिल जीत लिया। कुछ दो चार ऐसे आपने काम किए प्यारे प्यारे से कि अल्लाह आपको ज़िंदगी दे सेहत थे। और अभी भी जो आप लोग मिल के एक कलेक्टिव पैगाम लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है। व्यूअर्स देखिए, अगर हम मनसूबा बंदे की बात करें बढ़ती हुई आबादी में और हुकूमत इससे रिलेटेड क्या काम कर रही है, तो ये हर मुल्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सोचा जाए, लोग अक्सर सोचते हैं कि पाकिस्तान में ये बात क्यों होती है। पाकिस्तान में ये बात इसलिए ज़्यादा होती है व्यूअर्स, क्योंकि पाकिस्तान के कयाम से अब तक पाकिस्तान की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है। मतलब 4 times पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए, यानी कि अगर 100 बंदा था तो अब हम 400 के करीब जो है वो देख रहे हैं। अब 1950 से 2001 तक 50 सालों के दौरान पाकिस्तान की आबादी में 430% इजाफा हुआ है, परसेंटेज की अब हम बात कर रहे हैं। 1958 से 2022 के दरमियान 64 सालों में पाकिस्तान की आबादी जो है वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ से बढ़ के जो है वो 23 करोड़ 60 लाख हो गई है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग फिगर्स हैं और ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं हमने वेरीफाई करके व्यूअर्स आपके साथ शेयर करें। बट मैं खुद परेशान हो रही हूँ ये नंबर्स पढ़ के कि हम कर क्या रहे हैं। एक्चुअली हमें खुद देखना चाहिए कि हम क्या करें। आबादी में इजाफे की बढ़ती हुई शरह में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम रियलाइज़ नहीं करते। हम सिर्फ कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ी है, खैर है, ये नहीं रियलाइज़ करते कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपके जो वसाइल हैं वो भी तो उस पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए पूरे होने चाहिए। और दूसरी बात यह, जैसे कि कुछ देर पहले कहा कि हमने सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड बनना है, सिर्फ पाकिस्तान के अब आप सिटीज़न नहीं हैं, तो पाकिस्तान में जो आप बर्डन डालेंगे आबादी का वो फिर स्पिल ओवर करता है बाकी दुनिया के ऊपर। और जब वसाइल कम हो रहे होते हैं तो सारे ममालिक कहते हैं कि भाई हम लोग तो इतना यूज़ कर रहे हैं, आपका मुल्क हमसे 10 गुना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी हैं। खैर, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। समन, आप बताएं कि सबसे पहले आज के दिन आके बात करने का मकसद। आई थिंक बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पहले तो आपको कि आपने इवन ड्यूरिंग रमज़ान ट्रांसमिशन इस टॉपिक को सेलेक्ट किया, क्योंकि इस पर ज़्यादा बात तो होती नहीं है। लेकिन जब भी हम आबादी को जिक्र करें तो हम यही कहते हैं कि 24 करोड़ के लगभग हैं। सो वी ऑल थिंक कि शायद हम उसका हिस्सा नहीं और कुछ और चंद करोड़ों की हम बात करें। आई थिंक हम भी उसी आबादी का हिस्सा हैं। और जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो दो तरह से काम कर रहे हैं। एक तो ये कि वो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं और दूसरा ये कि ये आबादी के जो तेज़ी से बढ़ते हुए दबाव को हाईलाइट करना और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी नेगेटिव असरात हैं उनको भी सामने लाना, ये दोनों फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज से ये होता है कि आपकी फर्टिलिटी रेट को स्लो डाउन करने में मदद मिलती है। तो ऐसे तमाम कपल्स जो इस वक्त बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक बच्चा कर लिया है तो दे नीड टू टेक अ गैप, अगर अब उन्होंने फैमिली मुकम्मल कर लिया है दे नीड टू स्टॉप।
और अगर उनको कुछ और सर्विसेज की ज़रूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड, सो तमाम मसाइल का हल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट इसके तमाम सेंटर्स और क्लिनिक्स ऑल अक्रॉस पंजाब वो मुहैया कर रहे हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे डॉक्टर साहिबा, फिर आपसे जानना चाहूँगी कि आप इससे रिलेटेड क्या एफर्ट्स कर रही हैं। एंड ऑफ कोर्स मलिक साहब से ये जानना ज़रूरी है कि अवेयरनेस खवातीन और मर्दों दोनों में होनी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हम ये मामला सिर्फ औरत से रिलेटेड समझते हैं, ये भी एक मिस्टेक है। देखिए फैमिली प्लानिंग की जब बात करते हैं तो उसमें मर्द और औरत दोनों इंक्लूडेड है, और दोनों का ऑन बोर्ड होना और एक दूसरे की सपोर्ट करना बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारे साथ मलिक शहबाज अली खोखर हैं, डॉक्टर जुबदा रियाज हैं और समन राय हैं। हम बात कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग की, जो आई रियलाइज के लोग कह रहे होंगे कि रमजान और मुबारक में क्यों क्यों नहीं। व्यूअर्स कितने मेजर टॉपिक्स हमने इसी प्लेटफॉर्म पे पिछले दिनों में डिस्कस किए हैं, और अगर हमने अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो उन सब चीज़ों को हमने अलाइन करना पड़ेगा जहाँ पे मसाइल हैं। एंड आप माने या ना माने व्यूअर्स, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है लिटरली इस मुल्क के अंदर। लिटरली ये ऐसे लगता है कि जैसे अब सांस लेने की जगह नहीं है। शहरों में इवन गांव देहातों में इतनी आबादी बढ़ गई है कि वसाइल कम और प्रॉब्लम ज़्यादा। जी डॉक्टर साहिबा, आपका डिपार्टमेंट एग्जैक्टली क्या करता है? सबसे पहले तो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो सर्विसेज फैमिली प्लानिंग की प्रोवाइड कर रहा है, और पिछले एक दो सालों में हमने और भी कुछ न्यू इनिशिएटिव्स भी शुरू किए हैं, जिसमें सबसे बढ़कर तो ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो हम, इससे पहले मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड था जो हम इस वक्त उसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम अपनी यूथ जो है, जो टारगेट ग्रुप है एक्चुअली हमारा इस वक्त, उस तक पहुँच सकें। सेकेंडली हमने कोई 10 डिस्ट्रिक्स में उलमा और ख़तीब जो हैं उनको इन्वॉल्व किया हुआ है, वो हमारे छोटे छोटे मैसेजेस जो हैं वो अपने जुम्मा के खुतबा के अंदर जो हैं वो देते हैं। वंडरफुल। और उसके लिए हम थोड़ी सी उनको पेमेंट करते हैं, जस्ट लाइक एन ऑनरेरिया। और तीसरी चीज़ जो है, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो महकमे ने अभी उसको भी साल तकरीबन हो गया है हमें, और प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू की हुई है, और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है, शादी से पहले ही अगर आप बच्चों को गाइड कर दें तो क्या बेहतर नहीं है। शादी के बाद बेचारे कंफ्यूज घूम रहे होते हैं, और घर वाले अगर पढ़े लिखे ना हो तो वो और मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आती कि मामला क्या बन रहे हैं। और इसी तरह जो हमारा PPIF है वो भी यूनिवर्सिटीज़ के सामने जाके, तो हमारे बच्चे जो हैं उनके ग्रुप्स बना रहे हैं वॉलंटियर्स के, और उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3-4 जो हैं वो नई चीज़ें हैं, बाकी जो रूटीन का हमारा काम है वो तो चलता ही है। जी मलिक साहब, इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? आई नो इट्स एज अ मैन हम आपको ज़रा ऑकवर्ड पोजिशन में भी डाल रहे हैं, लेकिन जब तक आप जैसे मर्द जिनको लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी रिगार्ड देते हैं, जब तक आप, सच्ची बात है सबसे बड़ा इशू तो ख्वातीन का हेल्थ का बनता है। जी सर। जी आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इस टॉपिक पे बुलाया, और ये सेंसिटिव टॉपिक है। यहाँ हम हमारी बदकिस्मती कह लें कि हम खुल के बात नहीं करते, कुछ हमारे इस तरह के होते हैं कि जिस पे हमें डर या खौफ की ज़िंदगी हम गुजार रहे होते हैं, हम उस पे जब खुल के बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें फीडबैक ज़रा गलत आता है, हालांकि मकसद ये नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी हमारे माशरे में, और इस अवेयरनेस को हमने हर घर की दलील तक नहीं ना जब तक पहुँचाना, उस वक्त तक हम मसला हल नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है ये बड़ी अच्छी कावश कर रहा है, पर ये एक डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है जब तक तमाम मीडिया, तमाम जो हमारा सियासतदान है, लोकल सतह का जो सियासतदान है, जब तक वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि ये UC सदा तक भी इसको अवेयरनेस आनी चाहिए, हमारे फंक्शन होने चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें नुकसान क्या हो रहा है। हम चूँकि आपका ज़्यादा कारोबार या काम होता है ये स्टूडियो में होता है, हम फील्ड वाले लोग होते हैं, हम जब इलेक्शन होता है तो हम ऐसी ऐसी गलियों में जाते हैं तो हमें वो वहाँ देखते हैं तो बच्चे नंग धड़ंगे फेर रहे होते हैं, बच्चियाँ उनके इतने यकीन करें कमरे के घर के अंदर 16 लोग और जिनमें से 10 बच्चे होते हैं। मैं बताता हूँ कि मैडम मैं आपको बताऊँ, आप मेरे साथ विजिट करें तो आपको रोना आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप आबादी ना बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है ना उसको बेहतर करना चाहिए। मुझे मेरी बेगम कहती है कि वो एक कमरा चाहिए,
एक मुलाजमा के लिए। मैंने कहा चले ऊपर घर में एक कमरा है, तो कहती वो चुप कर गई। तो मैंने कहा मसला क्या, कहती उसके 12 बच्चे हैं। अब बात यह है कि उसके पास घर को रहने के लिए कमरा नहीं है, तो 12 बच्चे औरत की चले कमरा अच्छा, नहीं है उस औरत की सेहत क्या होगी? देखें वो इसने 12 बच्चे पैदा किए, ठीक है ना, उसका कुछ नहीं बचा होगा। और उसका जो मियां है वो एक मतलब मिस्त्री है। अब देखिए वो सारा दिन काम करता है, क्या करता है, घर आके उसको सुकून नहीं मिलता होगा। एक कमरे का घर है जो वो भी पता नहीं किराए पे है, कहाँ किसी झुग्गी में रह रहा है, क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा मशवरा है, मैं गवर्नमेंट की सदा से वाद उठाऊँगा, आप गुजारिश है कि जो हम ड्रामे बना रहे हैं ना जी, जो हमारा दौर होता था ना बचपन में, हम वहाँ देरा जाला ड्रामा देखते थे, अन कही थे, उस वहाँ सबक मोजते याद है बचपन में पैगाम तो दो बच्चे खुशहाल घर आना, तो वो कहाँ चला गया। आज जो ड्रामे हम बना रहे हैं ना उसमें हम यही बता रहे हैं कि वो इश्क की बातें तो ज्यादा करते हैं, तो हम तो बाजी को खुद बढ़ा रहे हैं, इस वक्त फैला रहे और उस फहाशी पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो हर बंदा खड़ा हो जाता है स्यापा डालने के लिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ पहले टीवी पे देख तो लो के चल क्या रहा है, हम तो लोगों की जान बचाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर आप शादीशुदा है आप साथ में चक्कर चला रहे तो अपने मिये को छोड़ दे और फिर एक और शादी कर उससे शादी कर ले तो ये बड़ा अच्छा अमल है। आप ये लोगों को दिखा, ये 90% जो मसाइल यही आ रहे हैं, ये मीडिया का बड़ा रोल है। मैं कहता हूँ कि मीडिया इसको पॉजिटिव ले सकता है, ड्रामे इस तरह के बनाए, इस तरह के फंक्शन होने चाहिए। मैं कहता हूँ मैडम सुमर ऐसे मेरी गुजारिश है कि आप यूसी सदा तक ये चले जाएं, यूसी सदा एक काउंसलर तक ले जाएं इसको, कि हम प्रोग्राम बनाते रहें हफ्ते बाद, वे जब तक अवेयरनेस नहीं हम देंगे किसी को, किसी बहन को, किसी बेटी, किसी माँ को अवेयरनेस नहीं देंगे उस वक्त हम, और मर्दों को भी वो तो साथ है। नहीं, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है भैया, मैंने 2-4 ऐसे केसेस देखे, समन आपके सामने भी आए होंगे, कि एक खातून फैमिली प्लानिंग की तरफ जाना चाह रही है लेकिन घर के मर्द नहीं सपोर्ट कर, मतलब हस्बैंड ने कहा है कि बिल्कुल भी नहीं, नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। मैं हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप अपने घरों में लड़ाइयाँ डालें, फड्डे डालें, हम सिर्फ ये कह रहे कि अगर मर्द औरत दोनों को अवेयरनेस होगी तो फिर वो एक इन्फॉर्म डिसीजन की तरफ जा सकते हैं। और मैम बड़ी अच्छी बात भाई ने कही, मैं इससे इसका आपसे जवाब जानना चाहूँगी कि क्यों नहीं आप ऐसे प्रोजेक्ट्स, देखिए एड्स और बड़ी चीज़ें अच्छी बन रही हैं, लेकिन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनते थे, प्लेज होते थे, फिल्मों में भी एक अच्छा पैगाम दिया जाता था, इस तरफ आप लोग क्यों नहीं आ रहे? नहीं, आप सही कह रही हैं। आई नो आपने अभी अभी चीज़ें संभाल ली हैं, मैं आप पे प्रेशर डाल रही हूँ एकदम से। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली वुड लाइक टू एड्रेस, क्योंकि जितना ये डिपार्टमेंट सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे एक्सटेंसिव वर्किंग करता है, आई थिंक उसकी कोई रेयर मिसाल और होगी हमारे गवर्नेंस के सेटअप में। लेकिन इसका बहुत गहरा ताल्लुक और चीज़ों के साथ भी है, क्योंकि मैसेजेस तो आप रात दिन बहुत सारी चीज़ों के आपके कानों में जा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, इंक्लूडिंग मैसेजेस ऑफ आर डिपार्टमेंट एज वेल। बट आई थिंक इसका एक बहुत गहरा ताल्लुक आपकी ज़िंदगियों के साथ है, आपकी डिसीजन मेकिंग के साथ है, और जिस तरह से आपका ब्रॉटअप और सोशो कल्चरल नॉर्म्स जिसमें आप रह के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप चूँकि फैमिली सेटअप के साथ हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस, सेंटिमेंट्स और इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। सो जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, डिपार्टमेंट की सर्विसेज तो डे बाय डे इंप्रूव हो रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं। वो तो खैर आप लोग बड़ा अमेजिंग काम कर रहे हैं, बट हम मीडिया में भी, लेकिन जो मीडिया की अवेयरनेस, मीडिया प्लेज अ बिग रोल, नो डाउट अबाउट। मुझे इतनी खुशी है कि आज आप आई, मुझे पता है कि ये एक अनकंफर्टेबल टॉपिक है इस तरह प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करने का, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन अगर ज्यादा जगहों पे आप मैडम नजर आएंगी ना तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, दैट्स राइट, दैट्स ट्रू, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इस टॉपिक को हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम और मुल्कों की मिसाल लें जिन्होंने इंफोटेनमेंट और सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल मीन्स का सहारा लिया, नियरली उतना काम हम भी करें। सिर्फ ये कि आबादी का जो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दबाव है उसको कम करने के लिए हमें फर्टिलिटी को नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये इंडिविजुअल्स, कपल्स, फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिस तरह हम बाकी डिजीज़ या बाकी मेडिकल चीज़ों को समझते हैं, आई थिंक वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज वेल, और उसकी नीड्स को हम कैटर करने के लिए सर्विसेज के लेवल पे मौजूद हैं। महकमे की तो तमाम सहूलियात बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की जा रही हैं। तो आई वुड बाई वर्चू ऑफ दिस प्रोग्राम रिक्वेस्ट एवरीवन कि इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और उन सर्विसेज को अवेल करें। अभी हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को ख़त्म नहीं करेंगे, वैसे हमने बात मैं थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँगी अगर आप बुरा ना मनाएं, एक और सेगमेंट के लिए अगर आप मेरे साथ रुक जाए तो। मैं जो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मसाइल की बात कर रही हैं, अगर डॉक्टर साहिबा ब्रेक के बाद हम जब वापस आएँ तो आप ज़रा वाज़े अल्फाज में बता दें कि मसाइल क्या आ सकते हैं। जैसे कि व्यूअर्स, एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा जब बेटी नूरबानो हुई तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बड़ा क्लियरली कह दिया कि जुगन अब अगर आपने
मज़ीद और बच्चों की तरफ जाने की कोशिश की तो आपकी जान भी जा सकती है। एक तो मैंने लेटर इन लाइफ पैदा किए बच्चे, जो मेरे बाकी के दोनों हैं आप सबको पता है क्या मामला थे, उसके अलावा मेरी बॉडी ही नहीं मुझे अलाउ कर रही आगे मज़ीद बच्चे प्लान करने की या व्हाटएवर। तो मुझे डॉक्टर ने बड़ी क्लियरली कह दिया कि आप अब ये चैप्टर आपको क्लोज करना पड़ेगा, आप मज़ीद और बच्चों को नहीं कंसिडर कर सकती। अब अल्लाह का शुक्र है वसाइल हैं, मामलात हैं कि अगर बंदा फाइनेंशियली संभालना चाहे। लेकिन व्यूअर्स बात यह है कि जितना भी मुझे बच्चों का शौक है, अगर मैं नहीं जिंदा रहूंगी, अगर मैं ही ख़त्म हो जाऊंगी, मैं ही गर्क हो जाऊंगी, तो फिर मेरे बच्चों को कौन पालेगा? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब डॉक्टर ज़ुबैदा रियाज से हम जानेंगे कि वो क्या मामलात हैं जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज आ जाती हैं जब आप प्रॉपरली फैमिली प्लानिंग का इंतखाब नहीं करते। जी देखें, अगर हम अपनी लाइफ स्पैन को देखें तो जब बच्चा 12-13 साल का हो जाता है तो एडोलेसेंट, एक उसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, तो प्रॉब्लम्स भी उसी टाइम से शुरू हैं कि बच्चा जब उसकी जिस्मानी तब्दीलियां हो रही हैं, उसको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त उसको सही गाइड किया जाए कि वो उसको क्या करना चाहिए। और ये सब कुछ जो है ये नेचुरल है, और वो जो उसकी इमोशनल भी चेंजेस आ रही हैं उनको भी एड्रेस करना चाहिए। उसके बाद जब आप जाते हैं कि शादी किस उम्र में हो रही है, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से जो बेस्ट आपकी रिप्रोडक्टिव एज है ना, जिसमें आपको बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, वो 20-30 साल है। इधर 16 साल की बच्चियाँ जो हैं exactly. गोद में दो बच्चे होते हैं। हालांकि आप अगर थोड़ा सा सोचें तो हमारे यहाँ भी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ही मैं कहूँगी कि वोट देने के लिए तो उम्र 18 साल है और बच्चा पैदा करने के लिए उम्र जो है वो है ही नहीं। देखिए पुराने वक्तों में ये मामलात चलते थे और यही रिवाज था, लेकिन उस वक्त जिंदगी भी मुख्तलिफ थी। जिंदगी मुख्तलिफ थी और अभी आपको ये समझना चाहिए कि बच्चा, माय नानो वाज ऑलरेडी अ मदर एट एज 14, बट बात ये वो नानो का वक्त था। अब बदलते वक्त के साथ हमने चलना नहीं है। और उस वक्त में देखें कि मैटरनल मॉर्टेलिटी कितनी ज्यादा थी इन्हीं चीजों की वजह से। अभी हम दो बच्चों की तो डेथ भी हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि गैप नहीं था। ऐसे ही है। और आप देखें कि मैटरनल मॉर्टेलिटी पाकिस्तान में अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 180 के फिगर आ गए हैं। हम पहले तो 200 से भी ऊपर थे हम, लेकिन स्टिल इस रीजन में हम अभी भी ऊपर ही हैं। हमें यानी इवन अफगानिस्तान से हमारी जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है उससे थोड़ी ज़्यादा ही है, और ये नहीं होनी चाहिए। और उसकी रीज़न यही है, छोटी उम्र में शादियाँ कर देते हैं, खातून की बॉडी जो है वो भी तैयार नहीं हुई और आपने इतना बड़ा उसको स्ट्रेस दे दिया, तो फिर उसके बाद सक्सेसिव प्रेगनेंसीज, वक्फा कोई नहीं है, कोई ये नहीं सोचता कि इसको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है, 2-3 साल का वक्फा ही कर लेगी तो इसकी सेहत अपनी जो है वो वापस आ जाएगी नॉर्मल के ऊपर, और फिर वो एक अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाएगी। ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम्स इसी तरह यहाँ ख़त्म नहीं होते। 30+ की जो प्रेगनेंसी है वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, उसमें भी मामला जो है वो आपको केयरफुल होना चाहिए उसमें भी। इसीलिए मुझे भी डॉक्टर ने कहा ना कि आप जुगन, अब रिस्क बच्चे के लिए तो होगा, तुम्हारे लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। तो बात ये कि देखिए व्यूअर्स, हेल्थ के भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग एक ज़्यादा सेंसिबल चीज़ होती है। ऐसे मामला भी होते हैं कि कज़न मैरिजेज हुई नहीं है और ऑलरेडी दो बच्चे हुए और वो नहीं नॉर्मल हुए, या उनकी कोई ऐसा मसला हो गया, तो फिर डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी अब आप आगे ना बढ़ें। मसला ये है कि हम अपनी ज़ात को अजियत दे के, अपने आप को टॉर्चर करने के लिए तैयार हैं, दूसरों को तकलीफ देने के लिए तैयार हैं, समझे बगैर कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे आप ये भी देखिए, आपने बात कर दी अब नॉर्मल बच्चों की, तो अगर दो थैलासीमिया माइनर लोग आपस में शादी करेंगे तो थैलासीमिया मेजर आएगा, ये लोगों को पता ही नहीं। और हमारे यहाँ और हमारे मुल्क में थैलेसीमिया बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, नो डाउट। और हमारा जो ये जो प्री मैरिटल काउंसलिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ये चीज़ जो है ये काफ़ी हम लोग स्ट्रेस दे के उसको उसमें हमने डाला हुआ है एज ए कंपोनेंट। तो उसके बाद देखें कि औरत जो है उसने बच्चा पैदा ही नहीं करना, उसने पालना भी है उसको, ठीक है, दूध भी पिलाना है उसने उसको, ताकि एक हेल्दी बच्चा जो है वो पले बढ़े। तो दूध पिलाना है, और अगर वो वक्फा नहीं करेगी 2 साल का या 3 साल का तो क्या उसकी हेल्थ भी गई और बच्चे की भी गई। बच्चा भी जो है वो आपने उसको, जाहिर है अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी 1 साल के अंदर अंदर ही हो गई तो बेचारी ना दूध पिलाने जोगी, ना वो बच्चा जो है उसको वो हेल्दी डाइट जो है उसको मिलेगी।
तो दोनों तरफ सफरिंग है, बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, स्टंटिंग ग्रोथ आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उसका भी रेशो जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये सारी ही उसकी रीजंस हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक तो आप हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग के ऊपर जोर दें, उसके लिए फैमिली प्लानिंग के तरीके इस्तेमाल करें। बिल्कुल मलिक साहब, कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो हमारे घरों के सरबरा है ना जी, उनका भी कुछ जिम्मेदारी है। पहले मैंने मीडिया की बात की है, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। जो बड़े हैं ना, जैसे दादी है, नानी है, माँ, उसको भी समझाना चाहिए कि बेटी या बेटा दोनों तरफ से कि आपने अगर ज़िंदगी को आसान करना। सबसे ज़्यादा प्रेशर तो माँ का ही होता है और यूजली सास का होता है। अच्छा, बेटी की माँ ये कह रही होती है छेती नाल बच्चा पैदा कर पैर जमाने ने, उधर से सास कह रही होती है जब तक बेटा नहीं पैदा होगा तब तक बच्चे पैदा करते चलाओ, माशाल्लाह आठ आठ बेटियाँ हो जाती हैं, ये नहीं देखते कि अल्लाह ने आठ रहमतों से नवाजा है, उनको बेटे की पड़ी होती है, ये भी तो बड़े मसाइल हैं। देखिए ये तो यही तो बदकिस्मती हमारे जो पूरा बरे सगीर पाको हैं, जो पहले होता था आजकल मुख्तर, ये जो तीसरी दुनिया ने इसके ये मसाइल तो चलते रहने हैं। तो इसमें हम जितना अवेयरनेस की तरफ चले जाएंगे, जितना लोगों को समझा सकेंगे, जैसे मैं कहता हूँ ये पोलियो वर्कर हैं, तो मेरी मैडम से गुजारिश होगी उनके साथ ही कोई टीम लगा दें, एक के दो दो उनके जैसे घरों में जाएं, उनको समझाएं कि मतलब ये हमें समझाना पड़ना है, अदरवाइज इसका कोई हल कोई नहीं। हम जो पोलियो वर्करों के साथ कर छोड़ते हैं हमारे घर पे बैठे हुए, तो यही हमारी यही अब कहते हैं ना जी, अगर एक मेरी बेटी पढ़ी लिखी है ना तो पूरे घर को संभालेगी। बिल्कुल, ये चीज़ है। तो इसलिए बंदे का अपना तो कसूर है ही है ना। मैं कहता हूँ अगर मेरी बेटी, देखिए आपके 90% जो घरों के कंट्रोल है हमारी बेटियों के पास हैं, तो इनको अपने पे थोड़ा सा ज़रा मजबूत होना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ये काम हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए तो। थैंक यू मलिक साहब। समन, आज की हमारी गुफ्तगू को प्लीज़ कंक्लूड कर दें अपने पैगाम के साथ। आई थिंक हमारे डिपार्टमेंट का एक पैगाम है वो ये कि मुतवाजन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, अगर आप एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकें बिटवीन रिसोर्सेज और आपके जितने भी बच्चे हैं, तो अपनी स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को प्रमोट करें, उससे क्वालिटी लाइफ भी जिएं, खुद भी आप आसानी में रहें, रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड को एंजॉय करें। और ब्लेस यू गाइस, थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट की कि आज उस पर बात करते हैं और आप लोगों ने हामी भरी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड द फैक्ट दैट यू केम। आई नो इट्स एन अनकम्फर्टेबल टॉपिक एंड आई नो दैट हम आपके लिए शदीद मुश्किल था। मलिक साहब आपके आते ही मैंने आपको ब्रेक में क्या कहा, मलिक साहब आपको सलूट करती हूँ, थैंक यू। क्योंकि यही तो बात है ना, लोग घबरा जाते हैं। मसला ये कि व्यूअर्स, जब तक इन मामलात के बारे में बात नहीं करेंगे, मसले के हल की तरफ कैसे पहुंचेंगे? आबादी बढ़ती चली जाएगी, बच्चियों की मौत होती जाएगी, छोटे छोटे बच्चों की डेथ होती जाएगी। क्यों? हर इंसान का हक है कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। जस्ट बिकॉज एक बच्ची की शादी हो गई, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चे पैदा करने की मशीन है। आई एम सॉरी अगर मेरी ये बात किसी को बुरी लग रही है, तो उसका हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिए और वो भी अपने सारे ख्वाब और अपने ख्वाहिशात को पूरा करे। एक औरत का काम बच्चा पैदा करने के अलावा भी और भी बहुत से काम हैं, और अगर उसकी सेहत मुतासर हो रही है, भाई लॉजिकली सोचे, अगर आपको बीमारी की हालत में रोज़ा रखने तक की माफ़ी मिल जाती है, आप जब किसी डॉक्टर से या किसी स्कॉलर से पूछते, वो आपके कहते हैं जी आपको डायबिटीज़ है, आपको इंसुलिन लग रही है, आप नहीं रख सकते रोज़ा, तो कॉमन सेंस की बात है कि हर साल अगर एक बच्ची बच्चा पैदा करेगी तो उसके जिस्म का उसका क्या हाल होगा? जो पैदा हुए में बच्चे ना उनको संभाल सकेगी और जो दुनिया में आने हैं पता नहीं उनके सर पे सलामत रहेगी भी कि नहीं। आई नो कि ये मैंने बड़ी हार्श बातें की है, किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, बट ये मेरी जेन्युइन सेंटिमेंट्स हैं। सिर्फ साहिब हैसियत होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ उस बेचारी बच्ची को भी देखें जिसने बच्चे पैदा करने हैं कि वो किस सिचुएशन में है और क्या वो कर भी सकती है कि नहीं, और दो या तीन बच्चों की अच्छे से किफालत करें, उनको अच्छे तरीके से पाल पोस के बड़ा करें, उनको पैरों पे खड़ा करें ताकि वो फंक्शनल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हो, ना कि आप 12 बच्चे पैदा करके उनको मिस्त्रियों के पास और नौकरियों पे लगा रहे हैं और 12-12 साल पे वो दूसरे लोगों के बच्चे संभाल रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में सोचे व्यूअर्स।